थैंक यू। तो सबसे पहले तो ह्यूमैनिटी के बेसिस पे रिजाइन दे, फर्स्ट डिमांड। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट पर जो हम जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट पर किसी भी तरह का एक्शन होने वाला है तो सबसे पहले तो ओ ना हो, समझ में आया। पीड़ित परिवार को कंपनसेशन दिया जाए और उनको पूरा सपोर्ट दिया जाए, समझ आ रहा है। चौथा, अगर किसी भी स्टूडेंट पर सिमिलर टाइप का एक्शन है या सिमिलर टाइप की दिखते हैं तो उसको इमीडिएट इफेक्ट से अभी रोक दिया जाए ताकि ऐसा घटना दोबारा ना हो, समझ आ रहा है। क्योंकि ऐसा घटना दोबारा हो सकता है तो उसको रोकने के लिए सबसे पहला है कि उसको इमीडिएट इफेक्ट से रोक दिया जाए, समझ आया। पांचवा, जो कि मेमोरेंडम में भी था कि एक हाई लेवल कमिटी बने अदर देन एनआईटीज ऑफिशियल, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हो और पूरा एकेडमिक सिस्टम कैसे चेंज होगा, रिफॉर्म्स कैसे लाया जा सकता है, स्टूडेंट फ्रेंडली कैसे बनाया जा सकता है, इस पर बात हो। लेकिन ये सबसे लास्ट है, समझ आ रहा है। सबसे पहला डिमांड जस्टिस, जस्टिस, ठीक है, सबको क्लियर है, सब इसी के लिए आए हो ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाँ एक बार जो लोग इसके लिए आए हाथ खड़ा करके दिखा दो, धूप आएगी तो कितने लोग भागोगे यहाँ से, कोई नहीं भागेगा। परसों हमारे एक दोस्त ने एकेडमिक प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया, उसी उसको जस्टिस मिले इसलिए हम लोग सभी मिलकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं। वो एक मेंटली और फिजिकली फिट इंसान था, ऐसा जो उस पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वो ड्रग एडिक्टेड था, ये सब झूठे हैं। हमारी डिमांड है कि बीके रॉय सर का रेजिग्नेशन होना चाहिए और जो भी यहाँ पे बच्चे हैं उन पे कोई आने वाले टाइम में डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो और एडमिन को अपोलोजाइज करना चाहिए और कोच बुकार की फैमिली को कंपनसेशन मिलना चाहिए। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।